उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। केंद्र सरकार ने स्वीकृत की जयपुर के लिए पर्यटन की दो योजनाएं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने तिरुचिरापल्ली जिले के पर्यायन रिजर्व वन क्षेत्र स्थित हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र का किया निरीक्षण। विभिन्न सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। जयपुर में कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रथम की टीम ने ऑपरेशन कवच 4.0 के तहत की कार्रवाई। कुल 82 चालान के साथ 7 लाख से अधिक का राजस्व किया वसूल। जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज श्रृंखला, पहली प्रस्तुति अल्बर्ट हॉल पर की गई आयोजित। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक जयपुर के वीकेआई और गजसिंहपुरा के प्रजापति मोहल्ला में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता शिविर में हुए शामिल। कामगारों के विकास की योजनाओं की दी जानकारी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर स्टेट टास्क फोर्स की बैठक हुई आयोजित। पल्स पोलियो अभियान पर हुई चर्चा। डूंगरपुर में आमजन की समस्याओं के समाधान और त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ ने रात्रि चौपाल का किया आयोजन। डूंगरपुर में घुमंतू समुदाय के आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए शिविरों का कार्यक्रम किया गया जारी। 4 दिसंबर से शुरू किए जाएंगे शिविर। प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1154 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती। बूंदी महोत्सव के 10 दिवसीय श्रृंखला में उद्योग और हस्तशिल्प शिल्पग्राम मेला मंच पर आयोजित सभी प्रतियोगिताओं का हुआ समापन। कार्यक्रम संयोजक राजकुमार दाधीच और प्रभारी शालिनी विजय ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। सहकारिता विभाग की रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने वित्तीय अनियमितताओं और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए धारा 55 और 57 के तहत त्वरित कार्यवाही करने के दिए निर्देश। खेरथल में उप शासन सचिव रमेश चंद्र परेवा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्यों ने विभिन्न राजकीय कार्यालयों का किया आकस्मिक निरीक्षण। हाजिरी रजिस्टर की समीक्षा भी। झुंझुनू में एसीबी की कार्रवाई। ग्राम भोदेन के लाइनमैन को 7000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। वीसीआर नहीं भरने की एवज में मांगी थी रिश्वत। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में बिजनेस स्टार्टअप अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला की गई आयोजित। विद्यार्थियों के साथ एक सार्थक संवाद भी किया गया। और गंगापुर सिटी में घुमंतू समुदाय के लोगों के विभिन्न सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए पंचायत समिति सभागार में लगाया गया विशेष शिविर। घुमंतू समुदाय के काफी संख्या में लोग पहुंचे दस्तावेज बनाने के लिए।